हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा पे। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 1-1, यानी कि शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहा जाता है? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। 1-2 है, खरगोश से कौन सा ऊन निकाला जाता है? तो अंगोरा ऊन निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 है, एंग्लो नोबियम किसकी एक नस्ल है? तो ये बकरी की नस्ल है। नेक्स्ट है 124, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसको न्यूटोफिलिया कहते हैं। 125 नंबर है, जैविक मृत्यु में रोगी के कौन से ऊतक मर जाते हैं? तो मस्तिष्क के ऊतक जो है वो मर जाते हैं। जन्म के बाद किस ऊतक की कोशिका में कोई विभाजन नहीं होता है? तो तंत्रिका ऊतक जो होते हैं, इसकी जन्म के बाद भी उनके कोशिका में विभाजन नहीं होता है। 127 है, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो मेलानिन से बनता है। 128 है, कौन सा द्रव्य मानव की त्वचा को जल के लिए उद्भेद बनाता है? तो केराटिन जो है। 129 जो है, केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो केचुए की जो है एक भी आंखें नहीं होती हैं। 130 है, हथेली व तलोक की त्वचा जो है मोटी होने का क्या कारण है? तो मोटी होने का कारण है अवत्वक उत्तक। क्वेश्चन नंबर 131 जो है, सबसे बड़ा शावक कौन से जानवर का पैदा होता है? तो नीली व्हेल का जो शावक होता है वो सबसे बड़ा होता है। 132 है, नींद के समय मानव के रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो नींद के समय मानव का रक्तचाप जो है वो घट जाता है, बीपी जो है क्या होता है, घट जाता है। नेक्स्ट 133 की बात करते हैं। 133 है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का क्या स्तर है? तो 180 से 200 mg/s होता है। चलिए नेक्स्ट 134 की बात करते हैं। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट है 135 है, आरएच कारक का क्या मतलब है? यानी रेसस फैक्टर होता है, रेसस कारक। 136 है, रक्तदाब किस में उच्च होता है? तो धमनियों में जो है रक्तदाब उच्च होता है और शिराओं में रक्तदाब कम होता है। धमनियाँ जो होती हैं वो हार्ट से रक्त को पार्ट्स तक लेके जाती हैं, और शिराएं जो होती हैं वहाँ से अशुद्ध रक्त को हार्ट तक लेके आती हैं, फेफड़े में, फिर उसके बाद हार्ट में लाती हैं। नेक्स्ट 130।